हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे कर सकते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नया अपडेट निकल के आया है, तो सभी को अपना आधार कार्ड से अपने वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना होगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अभी जो वोटर आईडी कार्ड मिलते हैं वो उतने सिक्योर नहीं है, जो आधार कार्ड से लिंक होने के बाद ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि आप आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है वोटर हेल्प लाइन ऐप। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको सबसे ऊपर वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप उसको एग्री कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन पे पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो सबसे नीचे फॉर्म बी ऑप्शन है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो ओटीपी डाल के जैसे ही आप वेरीफाई कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर याद है या नहीं याद है। याद है तो आप यस कीजिएगा, वरना नो कीजिएगा। तो मुझे याद है तो मैं यस पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको ऊपर में आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर पूछेगा। नंबर डालने के बाद नीचे में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको फेच डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फेच डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा कि वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड। तो आपका रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा। तो आपको नीचे में प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपका सारा डिटेल्स खुल जाएगा, आपका नाम, गांव, सब कुछ खुल जाएगा। यहाँ से आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नीचे में अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्लेस डाल के आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगा, आपको उसको कॉपी करके रख लेना है। उस रेफरेंस आईडी से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपली इस एक्सप्लोर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सप्लोर वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा आपको नीचे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे जो आप वहाँ से एप्लीकेशन नंबर कॉपी किए होंगे स्टेटस चेक करने के लिए, आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे डाल के ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है, सारा डिटेल्स खुल जाएगा। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के कुछ दिन के बाद वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।